जैसा अभी मुख्यमंत्री जी ने याद दिलाया, आज के ही दिन 20 साल पहले मुझे जनता की सेवा का एक नया दायित्व मिला था। लोगों के बीच रहकर लोगों की सेवा करने की मेरी यात्रा तो कई दशक पहले से चल रही थी, लेकिन आज से 20 वर्ष पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे नई जिम्मेदारी मिली थी। वैसे ये भी एक संयोग है कि उत्तराखंड का गठन साल 2000 में हुआ और मेरी यात्रा इसके कुछ ही महीनों बाद साल 2001 में शुरू हुई। साथियों, सरकार के मुखिया के तौर पर पहले मुख्यमंत्री और फिर देश के लोगों के आशीर्वाद से देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचना, इसकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। 20 वर्ष की ये अखंड यात्रा आज अपने 21वें वर्ष में प्रवेश कर रही है और ऐसे महत्वपूर्ण वर्ष में जिस धरती ने मुझे निरंतर अपना स्नेह दिया है, अपनत्व दिया है, वहां आना मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूं। हिमालय की ये तपोभूमि जो तप और त्याग का मार्ग दिखाती है, उस भूमि पर आकर कोटि कोटि देशवासियों की सेवा का मेरा संकल्प और दृढ़ हुआ है और मजबूत हुआ है। यहां आकर एक नई ऊर्जा मुझे मिलती है। भाइयों और बहनों, योग और आयुर्वेद की शक्ति से जिस क्षेत्र ने जीवन को आरोग्य बनाने का समाधान दिया है, वहीं से आज देशभर में अनेक नए ऑक्सीजन प्लांट्स का लोकार्पण हुआ है। ये देश के अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन प्लांट्स की नई सुविधा के लिए मैं आप सभी को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, 100 साल के इस सबसे बड़े संकट का सामना हम भारतीय जिस बहादुरी से कर रहे हैं, ये दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है। कोरोना से लड़ाई के लिए इतने कम समय में भारत ने जो सुविधाएं तैयार की, वो हमारे देश के सामर्थ्य को दिखाता है। सिर्फ एक टेस्टिंग लैब, से करीब 3000 टेस्टिंग लैब का नेटवर्क बनना, मास्क और किट्स के आयात के प्रारंभ, हमारी जिंदगी आज निर्यातक बनने का सफर तेजी से पार कर रही है। देश के दूर दराज वाले इलाकों में भी नए वेंटिलर्स की सुविधाएं, मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन का तेजी से और बड़ी मात्रा में निर्माण,
दुनिया के का सबसे बड़ा और सबसे तेज टीकाकरण अभियान भारत ने जो कर दिखाया वो हमारी संकल्प शक्ति, हमारे सेवा भाव, हमारी एकजुटता का प्रतीक है। भाइयों और बहनों, भारत की कोरोना से लड़ाई के लिए एक बड़ी चुनौती हमारी जनसंख्या तो थी ही, भारत का विविध भूगोल भी बड़ी चुनौती रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई से लेकर वैक्सीन तक, ये दोनों चुनौतियां देश के सामने आती रही, निरंतर आती रही। देश इनसे कैसे लड़ा, ये जानना, ये समझना हर देशवासी के लिए बहुत जरूरी है। साथियों, सामान्य दिनों में भारत में एक दिन में 900 मैट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता था। डिमांड बढ़ते ही भारत ने मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ाया। ये दुनिया के किसी भी देश के लिए अकल्पनीय लक्ष्य था, लेकिन भारत ने इसे हासिल करके दिखाया। साथियों, यहां उपस्थित कई महानुभाव इस बात से परिचित है कि ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के साथ ही उसका ट्रांसपोर्टेशन भी कितनी बड़ी चुनौती होता है। ऑक्सीजन ऐसे ही किसी टैंकर में नहीं ले जाया जा सकता, इसके लिए खास टैंकर चाहिए होता है। भारत में ऑक्सीजन प्रोडक्शन का काम सबसे ज्यादा पूर्वी भारत में होता है।